हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मेगा जसवाल, दिस इज ग्लैमर होलिक मॉम्स चैनल। और आज मैं करने वाली हूं ये वाला मेकअप लुक। बहुत ही अच्छा डिसेंट सा मेकअप लुक है, ग्रीन मेकअप लुक है, इजी टू अटेम्प्ट है, बिगिनर फ्रेंडली है। बहुत ही चीपर प्रोडक्ट्स का मैंने इसमें यूज़ किया है, चीपर एंड बेस्ट। ये नहीं कि चीपर है तो बहुत ही घटिया प्रोडक्ट्स का मैंने यूज़ किया होगा, जस्ट नहीं, बहुत ही चीपर और अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है। अगर आपको मेरा मेकअप लुक अच्छा लग रहा है तो मुझे कल को फ्री हो जाएगा आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है। तो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पे मैंने अपना फेस मेकअप डन कर लिया था, मैं पहले ही फेस मेकअप डन करके आई हूँ। उसके बाद मैंने आईब्रोज यूज कर ली थी, आईब्रोज के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है आईब्रो ट्यूटोरियल। तो अगर आपने अब तक मेरा वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप मेरी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप से, बिकॉज मैं इस वीडियो में सिर्फ आई मेकअप ही दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपका वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, देखो बात, जो हमारा फेस मेकअप है वो तो हर वीडियो में सेम सा रहता है लगभग, तो जस्ट मैं इसमें आई मेकअप कर रही हूँ। मैंने ये स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश ले लिया है और इसमें मैं ये वाला पैरेट कलर ले लूँगी। पैरेट कलर का मेरे को मेकअप क्रिएट करना है, तो जस्ट इस वाले ब्रश में मैं पैरेट कलर ले लूँगी। एक्स्ट्रा कलर हम डस्ट कर लेंगे जिससे कि हमारा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो फॉल आउट ना हो हमारे फेस पे, और जस्ट अप्लाई करेंगे। मैंने जो आईज है आईज को मैंने कंसील कर लिया था अच्छी तरह से। मैं इसको पूरी जो आईज पे ब्लेंड करूंगी अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मैं इसको अपने आईज पे ब्लेंड कर लूंगी। और जो हल्का सा ये जो डार्क कलर है मैं अपनी क्रीज से लगाऊंगी, क्योंकि ये जो मेरी ड्रेस में ये वाला हल्का सा कलर है, तो मैं इस वाली आई शेडो को सिर्फ क्रीज पे अप्लाई करूंगी बहुत ही लाइटली, क्योंकि हल्का सा मुझे शेड चाहिए इस कलर का। मेकअप मुझे पैलेट कलर का ही चाहिए। अच्छा पिगमेंटेड आई शेडो पैलेट है हिलेरी रोडा का, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो आप बेसिकली ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसका जो रिव्यू ऑनेस्ट रिव्यू अपने उसमें शेयर किया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाके चेक कर लीजिए प्लीज। बहुत ही एफर्टलेस है, बहुत ही इजी टू डू है, बिगनर्स के लिए बहुत ही बिगनर्स फ्रेंडली है ये। इस वाली वीडियो में जो भी मैं प्रोडक्ट यूज करूंगी बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स होंगे, अगर बहुत ही मतलब मिनिमम से मैंने प्रोडक्ट इसमें यूज करे हैं मिनिमम कॉस्ट वाले, क्योंकि मेरे को एक अफोर्डेबल मेकअप लुक क्रिएट करना था। तो जस्ट ये वाला आई शेडो पैलेट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये वाला आई शेडो पैलेट 160 रुपीज का है, आपको अमेजोन पे इजीली अवेलेबल होगा। ये एक्चुअली कॉम्बो आपको कॉम्बो पैक में आता है, ये कैसा कहाँ अवेलेबल होता है मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप मेरी वीडियोस में जाके चेक कर लीजिए। जब तक आप चेक करते हैं मैं अपनी आई ब्रोज यही कम्प्लीट कर रहा हूँ। मैं स्मॉल ब्रश से इसी सेम कलर को अपनी आईज के नीचे लगाऊंगी। अवेलेबल
ऑनलाइन आई थिंक ये वाला आईलाइनर नहीं मिलता है दिल्ली, तो ये लोकल मार्केट में ही मिलता है आई थिंक, जो कि 55 rupees इसकी MRP है, लेकिन 50 rupees में ही मिल जाता है। बहुत ही अफोर्डेबल है, लेकिन बस इसका एक ही ड्रॉबैक है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है। मेरे को ये ड्रॉबैक नहीं लगता, मेरे को ये इसकी खासियत लगती है, क्योंकि आई मेकअप करने के बाद या आई ट्यूटोरियल करने के बाद या मेकअप ट्यूटोरियल करने के बाद मेरे को जो अपना मेकअप है वो रिमूव करना होता है, और जो वाटरप्रूफ होता है उसे निकालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं यही वाला आईलाइनर यूज़ करूँ, वाटरप्रूफ ना यूज़ करूँ, ये वाटरप्रूफ नहीं है। अगर आपके पास आपका बजट अच्छा है, आप और भी कोई आईलाइनर लेना चाहते हो, तो आप वाला आईलाइनर ले सकते हैं, वाटरप्रूफ रहने का वाटरप्रूफ ले सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हो तो जस्ट मैं प्रेफर करूँगी आप पेन आईलाइनर का इस्तेमाल करें। पेन आईलाइनर बहुत ही ईजी टू अप्लाई होते हैं, तो मैं अप्लाई कर रही हूँ। एक टिप मैं आपको यहाँ पे एक और देना चाहती हूँ, जब भी आप आईलाइनर को यूज़ करो तो उसको कोई भी आईलाइनर हो, चाहे वो वाटरप्रूफ हो चाहे वो नॉन वाटरप्रूफ हो, जस्ट इसको शेक करना है इस तरह से शेक करने के बाद उस जो प्रोडक्ट को हम निकाले तो उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है हमें इसके अंदर निकाल देना है, और उसके बाद अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे मेकिंग कलोसन का काजल ले रही हूँ। मेकिंग कलोसन काजल भी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, ये जो 120 rupees का आता है इसके काजल है। मैं ज्यादातर वीडियोस में यही वाला काजल अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ही अच्छा और बेनिफिशियल लगता है। इसको बहुत डार्क डार्क अप्लाई कर रही हूँ मैं। और इस तरह से अपर वाटर लेंथ पे भी लगा लें। अपर वाटर लेंथ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा स्केरी होता है लगाने के लिए, अगर फिर भी, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी कि अपर वाटर लेंथ पे काजल लगाने से जो हमारी आईज है वो बहुत ज्यादा डीपर लगती है। मेरी हर वीडियो में आपने सुना होगा, मैं हर वीडियो में आपको यही बता दूँ कि काजल लगाने से अपर वाटर लाइन और लोअर वाटर लाइन में काजल लगाने से आईज बहुत ज्यादा डीपर लगती है, और व्हाइट काजल लगाने से अगर आपकी आईज बहुत छोटी छोटी है तो वो बहुत इनलार्ज लगती है। तो जस्ट मेरे को अच्छा लगता है कि काजल लगाना, काजल लगाने से मेरी आंखें जो बहुत गहरी गहरी और बहुत ही अच्छी लगती है, वही जस्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ अपर वाटर लाइन पे। मस्कारा इज अ लास्ट स्टेप फॉर आवर आईज मेकअप, तो आई मेकअप में मेरे लिए मैं ये एमबी का मस्कारा यूज कर रही हूँ। आप लग ही रहा होगा ये बहुत पुराना मस्कारा हो गया है मेरा, बहुत ज्यादा पुराना नहीं पर हाँ 2 महीने पुराना है जस्ट, बहुत छोटा सा पैक है ये, जस्ट 50 rupees में ये अवेलेबल होता है, बहुत ही छोटा सा पैक है, और ये भी वाटर प्रूफ नहीं है, लेकिन अफोर्डेबल में अगर आप बिजनेस है अफोर्डेबल कोई चीज देख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आ जाता है इसकी अपनी आई के मस्कारे में। बस जस्ट इसका एक ही ड्रॉबैक है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है, और लेकिन आपकी आई लैशेज पे पूरा बिल्कुल सेम वही काम करता है, आपकी आई लैशेज जो है बहुत ही थिकर लगती हैं इसको अप्लाई करने के बाद। इसका डेमो मैं जस्ट अभी आपको देती हूँ। मस्कारा अप्लाई करने से पहले वही हम सेम प्रोसेस शुरू करेंगे, हम अपने आई कलर से अपनी आई लैशेज को कर्ल कर लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना है, जस्ट इसको प्रेस करना है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा प्रेस करना है। उसके बाद जब भी आप मस्कारा या आईलाइनर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो उस तरह से इसको शेक कर लें, और ओपन करते से पहले, बाहर निकालने से पहले इसको अंदर ही इस तरह से घुमा लें। कोई भी आईलाइनर आप इस्तेमाल मस्कारा आप इस्तेमाल करो, ये वाला प्रोसेस सबके साथ सेम है, तो इसको अप्लाई करो। तभी अच्छे से अप्लाई हो पाता है लोअर लैश पे मस्कारा। इसी तरह दूसरी आईज पे मैं अप्लाई कर लूंगी। आप सोच रहे होंगे अफोर्डेबल है इतना ज्यादा और वाटरप्रूफ भी नहीं है, तो इस मस्कारे की जरूरत
भी शुरू किया है जो प्रैक्टिसिंग पे है। एक्चुअली मेकअप ऐसी चीज है, आपको प्रैक्टिस के बाद ही आएगा। देखने से कोई मेकअप नहीं सीख जाता है, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है उसको। कोई भी चीज हम देखो, ड्राइंग है, ड्राइंग भी एक आर्ट है, मेकअप भी एक आर्ट है। आर्ट की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसको जो है आपको समझ में नहीं आएगा। आप अगर सोच रहे हो कि मैं मेकअप देखूंगा या देखूंगी तब मेरे को ये मेकअप समझ में आ जाएगा और मेकअप करना मुझे आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। जब हम मेकअप करना स्टार्ट करते हैं, जब हम बिगनर्स होते हैं, तो हमें सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को अप्लाई करके अपने फेस पे देखना पड़ता है या किसी और के फेस पे हमें देखना पड़ता है एज अ प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिसिंग के लिए अब मैं नहीं प्रेफर करूँगी या प्रैक्टिसिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लो। प्रैक्टिस के लिए आप हमेशा चीपर प्रोडक्ट्स लो, चीपर लेकिन अच्छे, कोई आपकी स्किन को डैमेज ना करे, आपकी स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इस तरह के आप प्रोडक्ट्स लो। जैसे ब्लू हेवन एक ब्रांड है, लेकिन एक इंडियन ब्रांड है, सबसे अच्छी बात है इंडियन ब्रांड है। बस हाँ, थोड़ी सी क्वालिटी इसकी क्वालिटी थोड़ी सी तो नहीं, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। लेकिन जैसे अब ये मस्कारा ले लो या एक लाइनर ले लो, तो मैंने अप्लाई किया है, वाटरप्रूफ नहीं है, तो इसलिए लोग इनको ज़्यादा परचेज नहीं करते हैं, ये ज़्यादा डिमांड में नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं वाटरप्रूफ मेकअप। तो ये वाटरप्रूफ नहीं है, ये जस्ट लाइनर है या जस्ट मस्कारा है। आप इसको वॉश करोगे, आप ये भीगेगा तो ये निकल जाएगा आपके आईज पे, आपकी मेकअप में ये नहीं रहेगा। तो अगर आप प्रैक्टिसिंग पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे रेगुलर, तो उसके लिए ये बेस्ट है। मैं आप 150 रुपये का 250 रुपये का मस्कारा भी अगर ले सकते हो तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो कुछ लोग हैं जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं बट ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। बातों में मेरा आई मेकअप जो है कम्प्लीट हो गया है, अब बारी है लिप्स की, तो जस्ट मैं लिपस्टिक अपनी अप्लाई करके आती हूँ और फिर हम मिलते हैं। यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगा ली है, जस्ट मैं अपनी आईब्रो बोन पे हाईलाइटर लगा रही हूँ। हाईलाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपकी आई मेकअप को अच्छे से चार चांद लगाने का काम करता है। मैं फिंगर से ही हाईलाइटिंग कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे मैं को जस्ट मतलब फिंगर से मैं कंफर्टेबल जाता रहती हूँ, बहुत अच्छे से इजीली अप्लाई हो जाता है हाईलाइटर। तो अगर आपने अभी तक मेरा हाईलाइटर वाला वीडियो अभी तक आपने मेरा नहीं चेकआउट किया था, मेरे वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं, मैं वहाँ पे अपलोड कर दिया है, अपना अपलोड कर रखा है, क्योंकि बहुत टाइम पहले ही मैंने अपलोड कर रखा था। तो जस्ट ये मेरा मेकअप फिनिश है और जस्ट एक छोटी सी बिंदी मैं अप्लाई करूँगी अपने माथे पे। इंडियन मेकअप लुक मुझे नहीं लगता जब तक बिंदी है, बिंदी नहीं होती ना तो मैं लगता है जैसे मेकअप तो अधूरा है। तो जस्ट मैंने ये बिंदी अप्लाई कर ली है और यहाँ पे मैं अपनी क्रीम डाल रही हूँ। यहाँ पे मेरा मेकअप लुक कंप्लीट है। आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा जो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यूजफुल लगता है किसी के लिए भी, किसी फ्रेंड के लिए, फैमिली के लिए, तो जस्ट मुझे ऑक्सीडाइज एक्चुअली ये एयरिंग है, मैंने ये लोकल मार्केट से खरीदे थे। तो गाइस ये है मेरा आज का मेकअप लुक चीपर एंड बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ। बाल में मैंने यहाँ पे जस्ट एक पोनीटेल बनाया है। अगर आपको अपने बाल ओपन रखने हैं या हाफ ओपन रखने हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको यहाँ मेकअप लुक मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपके किसी फैमिली या फ्रेंड के लिए यूजफुल मेकअप ट्यूटोरियल है तो आप मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोज पसंद आ रही, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।